सो वेलकम पोके बडीज। यार तो कैसे हो यार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला बहुत ही ऑसम टाइप का वीडियो होने वाला है, क्योंकि यार आज के वीडियो में हम थियोरी में डिस्कस करने वाले हैं। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो भी बता देता हूं, वो है टॉप 5 डुओ लेजेंडरी पोकेमॉन्स ऑफ एवरी टाइम, ऑफ ऑल टाइम भी कह सकते हो। और दोस्तों, और अगर तुम्हें ऐसा नहीं सोचना तो तुम ऐसा भी इस टाइटल को सोच सकते हो कि टॉप 5 लेजेंडरी डुओस। तो ऐसे जैसे सोचते हैं वैसे सोचो, सोचना तो एक ही है। तो ये जो लिस्ट बनाई है वो मैंने खुद ने बनाई है यार, और मेरे ओपिनियन से बनाई है। तो प्लीज़ अगर किसी को डिबेट करना है तो यार इंस्टाग्राम पे आ जाना कि ये वाला यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये वाला वहाँ पे नहीं होना चाहिए था पोकेमॉन्स। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। ओ भाई लोग, तो पाँचवा पोकेमॉन, पाँचवें पॉइंट पे जो पोकेमॉन है वो बताने से पहले यार, हम लोग 20 के सब्स के बहुत करीब है, बस 4000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा नहीं है यार, 4000 है। तो लेट्स सी, अगर तुम लोग यार फटाफट से 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेते हो तो यार हम करेंगे Q&A 20K सब्स पे। तो उसे रखते हैं बाजू में। तो यार टॉप 5 के टॉप 5th पोजीशन पे आते हैं। तो यार पांचवे पोजीशन पे जो पोकेमॉन है, मतलब जो लेजेंडरी डुओ पोकेमॉन्स है, वो है रेशिरैम और जेथ्रोम। जी हाँ, और ये आते हैं यूनोवा रीजन से। तो यार रेशिरैम है वाइट कलर का पोकेमॉन और जेथ्रोम है ब्लैक कलर का, जैसे कि उनके एनिमे के नाम के हिसाब से वो दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। जी हाँ, तो या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जो एनिमे का नाम है यूनोवा रीजन का पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट, तो यार वो एनिमे का नाम भी इन्हीं दो पोकेमॉन्स में भी रखा गया है। तो यार रेशिरैम है फ्लाइंग फायर टाइप और जेथ्रोम है इलेक्ट्रिक टाइप। अगर तुम लोग, अगर मैं गलत हूँगा तो कमेंट सेक्शन में गाली मत देना, इज्जत के तौर से सीधे से बता देना कमेंट सेक्शन में कि राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। सो यार, तो इन दोनों को मैंने पाँचवें पोजिशन पर इसलिए रखा था क्योंकि यार यूनोवा रीजन के पहले जो भी पहला एपिसोड है जिसमें ऐश यूनोवा में चला जाता है, और सबसे पहले जो कि वो चीज़ देखता है वो है जेथ्रोम। जी हाँ, ये एज यूजल मतलब ऐसे कंबाइन हो सकता है हमारे कैंटो रीजन से, जैसे कि ऐश ने जर्नी शुरू की थी तो उसने स्टार्टिंग में हो देखा था, तो वैसा ही कुछ। तो ऐश ने सबसे पहले जेथ्रोम देखा था, और जेथ्रोम भी बहुत कूल लगता है और रेशिरैम भी बहुत कूल लगता है। तो यार इन दोनों पोकेमॉन्स को मैंने नंबर 5 के पोजीशन पर रखा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनकी पोजीशन करेक्ट है या नहीं है। सो पोके फैंस, नंबर 4 की पोजीशन पर जाते हैं और देखते हैं नंबर 4 की पोजीशन पर कौन सा डुओ लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। तो यार जो नंबर 4 की पोजीशन में मैंने डुओ लेजेंडरीज को रखा है वो है हमारे होएन के डुओ लेजेंडरी पोकेमॉन्स, और वो है कायगर ग्रोडॉन नहीं है, वो है लाटियास और लाटियास। ये दो लेजेंडरी डुओ है जो वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं यार मेरे को। और दोस्तों, और ये एक मेल फीमेल वर्जन है, और ये मतलब इन दोनों को मूवीज़ में दिखाया गया है, भाई बहन का रिश्ता दिखाया गया है ये लोग का, तो इसी वजह से तो ये लोग नंबर 4 पोजीशन पे है। और प्लस इनके पास बहुत ही अलग अलग बेहतरीन ताकतें हैं, और सबसे मेन ये लोग मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। जी हाँ, ये लोग मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, और ये हुआ भी है द मूवी हुपा की मूवी में ये लोग मेगा इवॉल्व हुए हैं। तो हुपा ये लोग समन करके ये लोग मेगा इवॉल्व हो जाते हैं एज रेक्टेसा के साथ। सो यार, और ये लोग के पास बहुत ही कसम से ताकत है। और जो लाटियोज है, जी हाँ जो फीमेल वर्जन है, हाँ जी हाँ लाटियोज है, वो मतलब ऐसे वो इंसानी रूप भी ले सकता है, ऐसा मूवीज़ में दिखाया गया था। तो यार इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से मैंने इन दोनों को नंबर 4 की पोजीशन पर रखा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनकी पोजीशन डिजर्व है या फिर नहीं है। सो पोकी फैंस, आते हैं नंबर 3 के स्पॉट पे। तो यार जो डुओ लेजेंडरी पोकेमॉन है जो 3 का स्पॉट डिजर्व कर रहे हैं, वो यार मेरे ही नहीं, सारे पोकेट्यूबर्स के भी नहीं, और सारे मतलब जितने भी जनता है पोकेमॉन से, ये सब लोग इन दो पोकेमॉन्स को बहुत प्यार करते हैं यार। सबके एज यूजुअल अगर मैं सोचूं यार, सबके ये फेवरेट होने ही चाहिए, यानी सबके ये फेवरेट लिस्ट पे होने ही चाहिए। जी हाँ, अगर तुम लोग ने मतलब ऐसे सोचा नहीं है तो ये है डुओ लेजेंडरी है कैंटो में से। और अगर ये सुनने के बाद तुम्हारे मन में दो पोकेमॉन्स आ रहे हैं तो हाँ, जी हाँ सही सुन रहे हो, वो दोनों है म्यू एंड म्यूटू। जी हाँ गाइस, ये लेजेंडरी डुओ यार अब तक का बेस्ट लेजेंडरी डुओ कह सकते हो। बट मैंने इसे नंबर 3 स्पॉट पे क्यों रखा है मैं वो भी बताता हूँ। दोस्तों यार, भले म्यू और म्यूटू बहुत पावरफुल है, मतलब म्यू बहुत अच्छा है और म्यूटू भी बहुत अच्छा है, अगर एपिसोड में आगे एक बार या तो मूवी में दिखाया गया था उसे, तो फर्स्ट मूवी में उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मूवी में, तो उस वक्त वो बहुत ईविल था, उसे बहुत बदला लेने की था। बट
क्या कह सकते हैं, बाद में हमारे ऐश ने उसे उसको पिघला ही दिया यार कुछ भी तो यार, तो ये लेजेंडरी तो वो इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि यार और दो ऐसे डुओ है जो दो रीजन्स में है, वो इससे भी हटके दिखते भी है और अच्छे भी दिखते हैं और अच्छे पावर्स के साथ है। तो यार तो इन दोनों को मैंने थर्ड स्पॉट पे इसलिए ही रखा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पावरफुल से पोकेमॉन से और बहुत फ्रेंडली फ्रेंडली डुओ भी है। तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये प्लेस इनके लिए वर्थ इट है या नहीं। सो है भाई लोग यार, तो पोके फैंस अभी बढ़ते हैं टॉप सेकंड पोजीशन पे। तो यार टॉप सेकंड पोजीशन पे वो डुओ लेजेंडरीज है जो कि रिसेंट जो रीजन मतलब जो पोकेमॉन का रीजन चालू है उसमें से है। हाँ जी हाँ, जिसका जिस रीजन में हमारा ऐश 22 साल बाद जीता और फिर भी 10 साल का ही है, वो वाला रीजन अलोला रीजन का। तो यार सुन के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये दोनों हैं लूनाला और सोल गैलियो। तो यार अब तुम सोच रहे होगे यार सोल गैली और लूनाना क्यों। तो यार सबसे पहले ये दोनों पोकेमॉन सन और मून पे बेस्ड है एज द एनिमे नेम। और भाई लोग ये दोनों बहुत ही ऑसम पोकेमॉन है क्योंकि ये लोग रेम्स टू रेम्स आई गेस ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सन एंड मून ज़्यादा नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये लोग रेम्स और रेम्स में से ट्रैवल कर सकते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में से पोर्टल्स की मदद से, और ये बहुत बहुत कूल दिखते हैं यार। एज अगर देखा जाए तो सोल गैलियो बहुत ऑसम दिखता है, मेरे को सोल गैलियो एज पर्सनल फेवरेट आता है लुक्स के मायने में। तो यार इसलिए मैंने इन दोनों को इस स्पॉट पे रखा। बट यार पोकेमॉन कंपनी अच्छे लेजेंडरीज बनाओ यार, और अच्छे बनाओ यार, क्योंकि जो नंबर वन की स्पॉट पे है ना वो बहुत ही ऑसम लेजेंडरीज है और वो दोनों मुझे पसंद है। तो यार तो इन्हीं वजह से मैंने इन दोनों को इस पोजीशन पर रखा है जो कि सेकंड पोजीशन है, और आई गेस ये दोनों इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये डिजर्व करते हैं या नहीं करते। सो हे पोकेबडीज, बढ़ते हैं नंबर वन की स्पॉट के पोकेमॉन डुओ के साथ, सॉरी लेजेंडरी डुओ के साथ। तो यार ये जो डुओ है वो अब तक के सबसे फेवरेट माने जाने वाले एनिम या फिर कह सकते हैं पोकेमॉन के रीजन के डुओज है। जी हाँ, मेरा नहीं, किसी और पोकेट्यूबर का नहीं, तुम सब पोकेफेंस का नहीं, सबका ये रीजन ऑलमोस्ट फेवरेट होगा ही होगा, वो कि है कैरलॉस रीजन का। और तुम्हें इस नाम से भी पता चल गया होगा कि मैं किस डुओ लेजेंडरी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है एक्सर्नियस और याल्टेन। अगर मैंने याल्टेन का नाम गलत लिया या फिर याल्टाल होगा तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में गाली मत बकना, क्योंकि ये पोकेमॉन खुद खतरनाक है और इसका नाम भी बहुत खतरनाक है। तो यार तो दोनों बहुत ही बेसिकली एक एनवायरमेंटल पोकेमॉन्स भी कह सकते हैं इन लोग को, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ड ही है और एनिमे के नाम के ऊपर से भी बेस्ड है एक्स एंड वाई। सो दोस्तों, जो हमारा एक्सर्नियस है वो है फेरी टाइप पोकेमॉन और जो याल्टेन है वो है डार्क टाइप पोकेमॉन। तो यार अगर तुम लोग ने मूवी देखी होगी तो यार उसमें, अब मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, तो उसमें याल्टेन को अच्छे से दिखाया गया था और एक्सर्नियस उन दोनों की पावर्स को एनहांस करके दिखाया गया था कि याल्टेन को अगर गुस्सा आता है तो यार वो सब चीज़ों बर्बाद करना चालू करता है, बर्बाद नहीं करता बट उसके हिट से जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है और एंड में हमारा एक्सर्नियस खुद को एक ट्री में बदल के सब चीज़ों को नॉर्मल लाता है और उसे याल्टाल को भी मतलब शांत कर देता है। सो यार तो ये था नंबर वन। तो यार इन्हीं वजह से, मतलब इन्हीं इसी चीज़ की वजह से इन दोनों डुओ को मैंने नंबर वन की स्पॉट पे रखा है। तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये डुओ लेजेंडरीज जो नंबर वन की स्पॉट पे है, याल्टेन और एक्सर्नियस, क्या ये स्पॉट डिजर्व करते हैं या नहीं। होप सो पोके फैंस, तुम सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन को हिट कर देना। और जी हाँ, हम 20K सब्स के बहुत पास है यार, बहुत, मतलब ऐसे बोल नहीं सकता मैं, बट 4000 सब्सक्राइबर्स है। बट अगर तुम अपनी हिडन पावर्स दिखाओगे यार तो प्लीज़ हो जाएगा। और जी हाँ, 20K सब्स पे हम करेंगे Q&A, तो यार उसके लिए भी इंतज़ार करो। तो इंतज़ार करने की क्या बात है यार, जल्दी से जाओ और अपने सारे दोस्तों पोके फ्रेंड्स बोल रहे हैं यार, सारे जितने भी तुम्हारे पोकेमॉन के यार हैं उन सबको शेयर करो ये वीडियो और बताओ यार, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि ऐसे ही थियोरी वीडियोस और गेम प्ले वीडियोस तुम्हें मिलने वाले हैं चैनल पे, वो भी डेली। जी हाँ, डेली अपलोड्स मिलने वाले हैं आज से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एक नई स्टार्ट करते हैं।
तो यार अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक के बटन को हिट करना। लाइक गेम है 80 लाइक्स का, तुम लोग आराम से तोड़ फोड़ दोगे, मेरे को पता है इस लाइक गेम को। तो जल्दी जाओ उस लाइक बटन को फोड़ दो, इतना दबाओ जो लाइक बटन नीला होना चाहिए, ठीक है, नीला होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।